स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अज एक नवी क्रिया के थोड़ा स्वागत है। अज सा मौजूद ने रगतदीप सिंह जी, साइंस मास्टर सरकारी हाई स्कूल गोगा। सर स्वागत है थोड़ा जी। थैंक यू सर। अज आप गल कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो पुंज है रिएक्शन तो पहला जो रिएक्टेंट का जो मास होता है और रिएक्शन तो बाद जो मास होता है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। कोनिकल फ्लास्क दे विच थोड़ा जिहा एसटिक एसिड पा लिया, ठीक है। एक कागज के उपर आप सोडियम बाइकार्बोनेट रखा प्लस आप बैलून, इन चीज़ों का आप वेट करते हैं। सो वेट कि देख लें आप 215.2। बड़ी आसान एक्टिविटी और बड़ी इंटरेस्टिंग आई थी, सारों समझ आ गई होगी। सो तुम याद रखना हमेशा कि रिएक्शन तो पहला जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट का मास भी कहता है, वही होता है। मास में कोई भी चेंज नहीं हो रहा सर। ये 9th क्लास की एक्टिविटी थी, 9th क्लास के बच्चे ने तो बहुत लाभ हुआ है। आई थिंक तुम सारों अच्छी लगी एक्टिविटी, फिर मिलेंगे नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।